बंद कर दिया है। जिस तरीके से इमरान खान को घर भेज दिया गया, इस तरह दिल्ली के अदम एतमाद के मुतहदा अपोजिशन की जान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्तफी हो गए हैं। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वाला भी कोई नहीं है। अगर तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसा लीडर भी था जिसको खरीदने के लिए दुनिया की दौलत कम पड़ गई। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नठाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सकते की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर रोज ड्रोन हमले होते थे। होती नहीं जो कौम हकबात में यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। एब्सोल्युटली नॉट। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पर निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान वजीर आजम बने, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? पाकिस्तान की एयर फोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। वोट हमें दे या ना दे, हम सारे पाकिस्तानियों से बात करें, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोगों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना। आपने तो गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर दें। वक्त साबित करेगा कि कौन मुस्लिम है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो। सच पूछे तो इमरान खान की असली स्ट्रगल असली रस्ते पर आज शुरू हो। आए गरीब इनको नहीं पता के क्या भी किसी के सामने झुका हूं सवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। है खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी, कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है, क्या आदमी है? अजीब आदमी। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है। बैकी बैकी बातें करता है, कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। ये कहता है, गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है? निकालो इसको, ये सबको खराब कर दे। सर पे मेरे